जब आप रैलियां करते हैं उसमें आप भी अपार भीड़ देखते हैं, सबसे ज्यादा युवा नेता होते हैं उसमें। और युवा नेता की अगर हम बात करते हैं, युवा लोग होते हैं, तो युवा नेता की बात करें तो तेजस्वी यादव भी युवा नेता है, डिप्टी सीएम है बिहार के। तो बिहार की जनता आपको ही क्यों चूज करे उस युवा नेता में, तेजस्वी यादव को क्यों नहीं? मैं कभी ऐसा नहीं कह रहा कि बिहार की जनता मुझे नहीं चूज करे। आई थिंक लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू सेलेक्ट फ्रॉम। सो मुझे लगता है कि एज एज अ विकल्प, एज एन ऑल्टरनेटिव, चिराग पासवान अपने आप को जरूर पेश कर रहा है। मैं एक सोच के साथ आ गया हूँ। मैं चिराग पासवान की बात नहीं कर रहा, मैं बिहार फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। मैं खुद को फर्स्ट बनाने की बात नहीं कर रहा। मुझे अगर अपने आप को फर्स्ट बनाना होता मेरे लिए रास्ते बहुत आसान थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने 2020 के चुनाव में अगर मैं नतमस्तक हो जाता तो आज ना मेरी पार्टी टूटती, ना मेरा परिवार टूटता, मैं केंद्र में मंत्री होता, बिहार में मेरे मंत्री होते। चीजें बहुत सरल होती, बहुत सहज होती, पर वो समझौता ना मैंने तब किया, वो समझौता ना मैं आज करूंगा। मेरी लड़ाई सत्ता को हासिल करने की नहीं, मेरी लड़ाई बिहार को उसका खोया हुआ गौरव, खोया हुआ स्वाभिमान, बिहार अस्मिता की लड़ाई में लड़ रहा हूँ।